धमतरी के गंगरेल बांध में एनडीआरएफ, नगर सेना, राज्य प्रशासन की संयुक्त टीम ने मॉक ड्रिल किया और इसके जरिए बाढ़ से बचाव के तरीके बताए गए। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से एनडीआरएफ की टीम जिले के विभिन्न स्कूलों में आपदा संबंधी प्रशिक्षण दे रही है। इसी कड़ी में गंगरेल बांध में मॉक ड्रिल कर स्पीड बोट, लाइफ जैकेट और अन्य आधुनिक उपकरणों से बाढ़ से बचाव का संयुक्त अभ्यास किया गया। इस दौरान टीम द्वारा डूबे हुए व्यक्ति के फेफड़ों से पानी निकालने की विधि, सीपीआर, घर में पड़े हुए अनुपयोगी वस्तुओं से फ्लोटिंग डिवाइस बनाकर पानी में तैरने की विधि सिखाई गई। इसमें यह है कि जैसा कि आपको भी मालूम है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के संयुक्त तत्वावधान में ये बाढ़ में डूबते हुए लोगों किस तरह से बचाव किया जाना है, इस संबंध में मॉक ड्रिल गंगरेल डैम में हुआ। उसमें काफ़ी लोग थे, स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, जिसमें स्काउट गाइड्स, एनएसएस और एनसीसी के बच्चे थे, ताकि वो बच्चे उससे जुड़े रहते हैं, प्रेरणा ले सकें, देख सकें, समझ सकें। इसमें ये रहता है मुख्यतः जो रेस्क्यूअर होता है अपना बचाव किस तरह से करे, उपकरणों का बचाव किस तरह से करे, और जिनका रेस्क्यू किया जाना है उसको किस तरह से रेस्क्यू करना है, प्राथमिक उपचार किस तरह से दिया जाना है, और उनको फिर डॉक्टर को और आगे के इलाज को किस तरह से सपोर्ट किया जाना है, ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। इसमें देखिए एनडीआरएफ का काम तो काफ़ी विस्तृत है।